फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ कितना जाएगा कैटेगरी वाइज, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब तक तो आप लोगों ने जो है आंसर की मिला लिया होगा एंड ओएमआर सीट्स आपने चेक भी कर लिया होगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। देखिए मैं आपको जो है ना एग्जैक्ट आपको मैं बता सकता हूँ, अगर आपने फ्रेंड्स 2 साल अच्छे से मेहनत किया है तो आपका जो स्कोर है ना वो 65 से 70 के बीच में होगा, इस बात की गारंटी है। अब फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि 70 और 75 के बीच में कट ऑफ जनरल का जाएगा, ठीक ना। अदर स्टेट्स के स्टूडेंट आपको पता है फ्रेंड्स, चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो या अनरिजर्व से हो, उनको जनरल ही माना जाता है बिहार में। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है सीट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, लगभग 2900 के आसपास जनरल के लिए सीटें रिजर्व है, मतलब इतनी सीटें उनके लिए रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो 75 जाएगा, 75 से कम के कम ही चांस है, ये आप मान लीजिए, ठीक ना। लेकिन 75 से ज्यादा भी नहीं जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, 80 से नीचे ही जाएगा, ठीक ना, ये पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये आपका जो है 70 जा सकता है, ठीक ना, 70 से एक नंबर भी ऊपर नहीं जाएगा, 70 और 65 के बीच में ही रहेगा ईडब्ल्यूएस का। अब मैं BC1 का बता रहा हूँ, तो BC1 का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये भी आपका जो है 67 से 68 जाएगा, मतलब 65 और 70 के बीच में होगा। EBC का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये आपका जो है 65 जाएगा, ठीक ना, 65 से ज्यादा नहीं जाएगा। वहीं पर फ्रेंड्स जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इनका कट ऑफ जो है 60-65 के बीच में रहेगा, 62 भी जा सकता है, 63 भी, ओके। वहीं पर फ्रेंड्स जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट है, इनका कट ऑफ जो है 55 से 60 के बीच में रहेगा, मतलब 56 भी जा सकता है, 58 भी जा सकता है, 59 भी, ओके। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ PWD कैटेगरी के लिए, तो इनका फ्रेंड्स कट ऑफ जो है ये 53 से 54 तक जाएगा, और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है इनका 55 कट ऑफ जाएगा। तो ये मैं आपको कैटेगरी वाइज जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जिस लेवल का जो पेपर हुआ था उसको देख के ही। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।